इस पॉइंट पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे यहाँ पे हमने स्नॉर्कलिंग भी की, यहाँ पे हमने स्विमिंग भी की थी, यहाँ पे हमने उस ट्रांसपेरेंट बोर्ड का एक छोटा सा शॉट देखोगे वो भी किया। बट एनी हाउ जितना भी मेरा SD कार्ड में डाटा था वो सारा ही ख़राब हो गया। डोंट नो हाउ क्या हुआ, जब मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड किया उसके बाद देखा भी उसको तब ठीक था, उसके बाद जब मैंने फॉरवर्डिंग की सारा डाटा ख़राब हो गया मेरा। सो आई एम लिटरली सॉरी फॉर दिस। और इसके बाद हम जा रहे हैं आगे एक बोर्ड पे, वहाँ पे मिलते हैं आपको। सो गाइज, ये एक ऐसी प्लेस है जो इस पे यहाँ पे बैम्बूज लगे हुए हैं, ये अभी के लिए बंद किए हुए फॉर द पब्लिक विजिट, क्योंकि ये अब किसी का प्राइवेट हो गया, किसी ने ये प्लेस खरीद ली है। यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे बनती है, कोई बड़े प्रीशियस डायमंड से डायमंड्स टाइप कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। कोई मेडिसन हैं यहाँ पे वो भी बनती हैं। ये अराउंड यहाँ पे 3-4 कलर के मिलते हैं, रेड ब्लू और ऑरेंज आई गेस सो, और वो उन्होंने अप्रॉक्स 60,000-70,000 बाट पर kg के हिसाब से मिलते हैं। सो देवर एक्सप्लेनिंग अस दैट। एंड इसके बाद यहाँ से हम सीधा जाएंगे फॉर द नेक्स्ट पोर्ट एंड आई गेस वी आर गोइंग फॉर द लंच। Thank you.
व्यू चेक करके विच कट मार जा समझ गया किन्ने बड़े रखे हो अपने को उत्थे जाके करांगे सो फाइनली गाइस अब आ गए हैं लंच करने के लंच करने के लिए आ गए और अब हम यहाँ पे खाएंगे पिएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। स्नॉकलिंग मैंने कर ली, मंकी बे पे जाके बंदर क्या देखने, तो मेरे साथ था एक बंदर, कोई बात नहीं मैंने देख लिया, तो उसको अमृतसर से देखता आ रहा हूँ मैं उसको, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद अब ये मंकी बे भी हुआ है, फीफी आइलैंड भी हुआ है, अब सिर्फ एक आइलैंड रह गया, वो खाई खाए आइलैंड आई गेस ऐसा ही कुछ नाम था, वहाँ पे वो होके आना, अब लास्ट डेस्टिनेशन हमारी वहीं पे ही है। उसके बाद ही इज द मंकी यू कैन से सो हेंस प्रूव सर। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे खाने पीने के बाद अब चलेंगे क्योंकि व्लॉगिंग करने का कोई है नहीं था, मंकी सो व्लॉगिंग करने का कुछ है नहीं था क्योंकि सभी जगह हमने एक्टिविटीज़ करनी थी, वहाँ पे बोटिंग भी की मैंने, अंडर वाटर शॉट्स भी लिए, आप देखना वो भी इससे पहले आ जाएंगे और सब कुछ आ जाएंगे, सब कुछ म्यूज़िक के साथ होगा, किसी चीज़ में मैं बोलूँगा नहीं या कोई ओवर राइड भी करूँगा, तो होपफुली ये आगे का सारा का अच्छा रहे। एंड ये आज टोटल फिफ्टी आइलैंड का ही व्लॉग रहेगा, इसके बाद हम जो जो करेंगे वो आपको डिस्कस करते रहेंगे। एंड फॉर दिस बाय एंड आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलेंगे, अभी लंच आता है, लंच भी आपको दिखाते हैं क्या ऐसा लंचर क्या है उसमें, बस बाय। Hey guys, non-vegetarian plate and vegetarian plate happened with every vegetarian person in Thailand. Yo, bro. काला काला, दिस इज द न्यू ट्रेंड भाई, चेक द स्वैग ऑफ बंदा, अब हम आ गए हैं खाईपो आइलैंड और काफ़ी मज़ा है यहाँ पे भी, सभी आइलैंड्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं बट सबका अपना अपना मज़ा है, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा, ये देखो व्यू इतना अच्छा, इतने सारे टेंट्स और ये आपको बताओ एक खास ये चीज़ जो ये जिस चीज़ के जो ये टेंट्स लगे ना इनके नीचे स्टूल होते हैं ना, ये 100 के 1 सीट मिलती है, मतलब 100 बाथ की 1 सीट है, अगर 2 लेते हो तो फिर 150 ले लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ चार्ज करते हैं इस पॉइंट पर। सो चलो एनी वेज एवरी थिंग इज़ फाइन,
जहाँ आए हैं घूमना तो है ये खाना पीना, और चार्ज जो फूड के चार्ज नारियल पानी 100 बाट का, मतलब लगभग 250 रुपये का बाट है, 250 रुपीज़ का एक नारियल। चलो कोई बात नहीं, एनीवे तो हम वापस आ गए और अब अपनी अपनी वापस कैब में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल को। और बाकी की पूरी ओवर स्टोरी मैं आपको होटल में जाके बताता हूँ, फिर इस ब्लॉग को हम कर देंगे यहीं पे खत्म। सो फाइनली गाइस हम अपने होटल में वापस आ गए, आके इतना ज़्यादा थक चुके थे, थोड़ी देर बैठे, बैठ के हमने पहले जाके क्या कहते हैं 7-Eleven से जाके थोड़ा सामान लिया, वापस आके नहाए, सिर नहाया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सब सिर नहा के अपना खुद को नहाया अच्छे से, अब फिर बैठ गए हैं तैयार होके, अब हम जा रहे हैं बाज़ार फिर से कुछ खाने पीने या घूमने फिरने थोड़ा सा, तो फिर वैसे वैसे आपको बताएंगे। बट आज का मैं ओवरव्यू आपको बता दूँ, आज सिर्फ हमने 1300 baht पर पर्सन खर्चे थे फॉर पीपी आइलैंड, एंड एवरीवन आस्किंग 2000 baht, सारे जने 2000 मांग रहे थे, बट वी एनी हाउ सम हाउ हमने मैनेज किया। एक हमें टूर एंड ट्रैवल वाले मिले हमारे होटल के बिल्कुल पास में थे, तो उनके पास गए हम, जाके उनसे पूछा भी क्या पैकेज है, एंड शी आस्क्ड फॉर, वुमेन थी वहाँ पे, तो शी आस्क्ड फॉर 1800 और 1900 baht, फिर उसको थोड़ा सा कन्विंस किया, थोड़ा समझाया उसको, तो फिर शी एग्रीड ऑन 1300 baht, सो वी पेड 2600 baht फॉर टू ऑफ अस। एंड उसके बाद अब सुबह गाड़ी आई, पहले तो उनकी सुबह गाड़ी आके वो लेके गए हमें एक पैरियर पोर्ट पे, वहाँ पे हमारी स्पीड बोट वेट करी थी, बाकी तो आपने सारा ट्रिप देख ही लिया। स्पीड बोट से पहले हम गए मेबे, मेबे से गए वहाँ पे स्नॉकलिंग एंड स्विमिंग करने, फिर उसके बाद स्नॉकलिंग की एंड वीडियोज़ की आई गेस होपफुली बड़ी अच्छी आई होंगी, तो इस वीडियो में आप देख लेना वो भी। एंड उसके बाद फिर हमने लंच किया वहाँ पे, लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा एक काइबो आइलैंड था एक आई गेस, तो वहाँ पे गए जहाँ पे एक कलरफुल टेंट्स लगे थे वहाँ पे हम गए, तो जो लास्ट डेस्टिनेशन थी हमारी। उसके बाद हमने वहाँ पे फिर वापस आके, तो वापस आके फिर वहाँ से फिर से उन्होंने ड्राइवर ने हमें उठा के अपने हमारे होटल छोड़ दिया। एंड ये ट्रिप बड़ा ही ज़्यादा वर्थ था, 1300 baht इट्स फाइन फॉर दैट ट्रिप, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी लग जाती है उनकी, बोट भी काफ़ी जरूरत का, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना एक्सपेंस भी किया, एंड इट्स फाइन। उन्होंने सवेरे में हमें ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेड जैम जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दी, उसके बाद हमें रास्ते में स्नैक्स देते रहे, फिर उसके बाद हमें जैसे आपको बताया लंच भी दिया, वेज नॉन वेज दोनों था, सूप कॉफ़ी टी एनीथिंग यू वॉन्टेड वहाँ पर मिल जाता है। फिर वापस आते हुए हमें फ्रूट्स भी मिले, फ्रूट्स हर जगह पर मिल ही रहे थे हमें, मतलब वो अपनी तरफ से दे रहे थे, बड़ा मज़ा आया वो सारा कुछ करके। अब हम नीचे जा रहे हैं, सो इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ वेरी सून, गुड बाय, टेक केयर।